जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना अब तक का सबसे जबरदस्त अभियान चला रही है। सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को नाकामयाब करने के लिए आतंकियों को मार रही है। इसी कड़ी में कुलगाम में दो अलग अलग जगहों पर शुरू हुए एनकाउंटर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर मिली कि 6 आतंकियों को अब तक मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के DGP RR सिवान ने इसे लेकर खुद जानकारी दी और बताया कि कैसे सुरक्षा बलों ने 2 अलग जगहों पर 6 आतंकियों को मार गिराया। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ कल से जारी है। पहले 4 आतंकियों को मारा गया और अब 2 और आतंकवादी मारे गए हैं। अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर बाकी है, जिसे लेकर एनकाउंटर अभी बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान भारतीय सेना को अपने 2 जवानों को खोना पड़ा। DGP RR स्वान ने बताया कुलगाम में कैसे भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर, जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि आवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे। ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल इन इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। 2 इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी था। इधर कुलगाम में भारतीय सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रजौरी में आतंकियों ने हमला करना शुरू कर दिया। रजौरी के मंजा कोटे से खबर आई कि आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आतंकियों की इस फायरिंग का सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मामले को लेकर एक्शन जारी है और आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मारने का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। बता दें, मुठभेड़ में अब तक 6 आतंकियों की मौत से जम्मू कश्मीर में आतंकी थर्रा उठे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। अधिकारियों के पास 6 आतंकियों के मारे जाने को लेकर एक ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 6 शवों के पड़े होने की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर सुरक्षा बल ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि 6 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।